अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ चावल की कचरी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम कोई भी बर्तन लेंगे और एक मेज़रमेंट के लिए कटोरी लेंगे और फिर सेम कटोरी से हम सारे मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक छोटी कटोरी ली है और उससे मैं यहाँ पे पानी ले रही हूँ। तो पानी मैंने 6 कटोरी डाला है और अब सेम कटोरी से ही हम एक कटोरी लेंगे चावल का आटा। चावल का आटा घर पे कैसे बना सकते हैं आप, इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। और अब इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने घर का बना हुआ ही चावल का आटा यूज़ किया है और अभी से मिक्स कर लिया है। तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, मतलब स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। अभी से मिक्स करने के बाद हम गैस पे रखेंगे। तो मैंने गैस पे इसे रख दिया है और फ्लेम को मैं रखूँगी मीडियम टू हाई। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप फ्लेम को मीडियम टू हाई रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से हम कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे क्योंकि इसको गाढ़ा होने में टाइम नहीं लगता है। एक मिनट मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाया है और आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से दिख रहा है कि पहले से बहुत गाढ़ा हो गया है। अब इसी तरीके से हमें पकाना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको कितना देर पकाएंगे। 15 से 20 मिनट इसको लो फ्लेम पर मैंने पकाया है और आप देख सकती हैं कितना गाढ़ा हो गया है। तो हमें इसको इतना गाढ़ा होने तक ही पकाना है और इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए मैंने इसको पकाया है। अगर आप चलाएंगे नहीं तो ये जलने लगेगा साइड से और फिर आपकी पापड़ या कचरी, आप जो भी बनाने वाले हैं, वो ख़राब हो जाएगा। और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अब मैं इसमें डालूंगी ग्रीन कलर। ये मैं सिर्फ कलरफुल कचरी बनाने के लिए ही इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप सिर्फ वाइट कचरी ही बना सकते हैं। और इसे डालकर कलर को फिर बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। यहाँ पे मैंने जो कलर इस्तेमाल किया है वो ड्राई फूड कलर है, आप चाहें तो लिक्विड फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी देखिए, इसको बहुत ही अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और अब इसे हम ठंडा होने देंगे, कंप्लीट ठंडा नहीं होने देना है। तो मैंने इसे ठंडा कर लिया है और आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो गया। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है, तो इसको हमें इतना ही गाढ़ा रखना है। और अब इसे हम चलिए पन्नी पे फैलाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको इतना ही ठंडा करना है जितना हम इसको पन्नी पे डालें तो पन्नी इसकी गर्माहट बर्दाश्त कर सके। एकदम कंप्लीट ठंडा कर देंगे तो आप फिर इस पे चिप्स डाल नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि ये चिप्स डालने के लिए आप इस तरह से पन्नी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसी पन्नी ना मिले तो आप दूध का पैकेट जो आता है ना, वो वाली पन्नी ले सकते हैं। ब्रेड तो मिलेगी नहीं कि आप ब्रेड की पन्नी ले, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो उस टाइप की भी पन्नी ले सकते हैं, या इस तरह से जो आइसिंग बैग आता है वो भी ले सकते हैं। अब मैं इस आइसिंग बैग में ये जो हमने बैटर बनाया है चावल के आटे का, इसको डाल दूंगी। इसे मैंने देखिए यहाँ आइसिंग बैग में भर लिया है और अब इस तरह से मैं इसे फैला लूँगी। अगर आप सिंपल ही बनाएंगे ना तो भी ये बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। और ये पापड़ बहुत ही ज़्यादा फूलते भी हैं, तो आप इन कचरियों को एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। और देखिए, फिर इस तरह से मैं फैला लूँगी। इस तरह से अगर हम दूर दूर डालेंगे ना तो इसे जल्दी सूखेगा, और जो मैंने पहले स्टार्टिंग में डाला था वो करीब करीब डाला था, तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने इसे डाल दिया है और मैं अब इसे धूप में सुखाने वाली हूँ। तब तक सुखाऊंगी जब तक कि अच्छे से सूख ना जाए। और ये देखिए, ये कचरी हमारा सूख गया है। इसको मुझे पूरा
एक दिन और एक रात लगा है सुखाने में, क्योंकि धूप थोड़ा कम थी इसलिए इसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगा है। तो आपको भी ऐसे ही कम ज़्यादा टाइम लग सकता है। एकदम परफेक्टली ये जब इस तरह से सूख जाएगा तब हम इसे स्टोर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें मैंने कोई भी तेल वगैरह यूज़ नहीं किया है। वैसे तो मैं अपने दोनों रेसिपीज़ में जो पहले शेयर कर चुकी हूँ उसमें भी तेल नहीं यूज़ किया है, तो जिसके वजह से आप बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हैं पापड़ या कचरियों को। तो चलिए अब इसे मैं फटाफट फ्राई करके दिखा देती हूँ। और ये साइज़ में डबल हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट क्रंची बनते हैं। चलिए इसे फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में मैंने गैस को कर दिया है, मतलब लो फ्लेम और मतलब सबसे धीमी आंच और मध्यम आंच के बीच में ही मैंने इसे किया है फ्लेम को, तेल गरम हो जाने के बाद। और अब इस तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये पापड़ हमारे मतलब ये कचरियाँ फूल रही हैं, साइज़ में डबल हो जा रही हैं। चाहे जितनी आप फुलाएंगे मतलब फ्राई करेंगे बहुत ही अच्छी बन के तैयार होने वाली है। इस तरह से आप बहुत सारे पापड़ बना के स्टोर कर सकते हैं। तो अब इसी तरीके से आप सारे कचरियों को फ्राई कर लें। और अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाने वाली हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे कचरियाँ बन के तैयार हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।